వీడియో కోసం జమ్మి ఉంటూ శృతి ఖజురే కొల ఖబరాసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆజ్ నవీ దిల్లీ ఆరోగ్య మంథన్ డే సమాపన సమారోహ ది ప్రధాన తగరగన్ आयुष्मान भारत का पहला बड़ा पूरा होने के मौके पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक दो रोजा आयोजन करवाया है। मोदी और आयुष्मान भारत के आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की नवी मोबाइल ऐप भी शुरू करेंगे ते कन्ने की यादगारी टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री और आयुष्मान भारत सामा फायदा हासिल करने वाले तालमेल व्यक्ति कन्ने गलबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल उधमपुर के सुभाष स्टेडियम च इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का उद्घाटन किया। रामनगर आले बहुआयामी इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इस रिश्ते राएं मंत्री होरें उद्घाटन किया। उद्घाटन मगरा केंद्रीय मंत्री होरें खिडारियों कन्नै गलबात की आखिया जे खेडा अनुशासन पैदा करदियां ते अपने लक्ष्य की हासिल करने आस्तै दृढ़ निश्चय भी पैदा करदियां। उन्हें उधमपुर जिले च लोकें खासकर युवाएं की इंडोर स्पोर्ट्स हॉल थोने लई मुबारकबाद दित्ती। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर समा दफा 370 गी हटाने आले फैसले की चुनौती देने मतलब याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए केंद्र की अपना जवाब 4 हफ्ते के अंदर अंदर जमा करवाने लिए आख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई लिए अगली तारीख 14 नवंबर तय की है। केंद्र सरकार आसिया जम्मू कश्मीर समा दफा 370 हटाने आले फैसले की चुनौती देने ते और दुए मतलब मामलों पर सुनवाई करते अदालत ने केंद्र सरकार की 4 हफ्ते का समा दिता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल उन्हें दफा 370 हटाने की चुनौती देने की याचिकाएं पर सुनवाई करा दी पीठ सोआ इस बारे परता देने लिए समा मंगया हा जिदे मगरा अदालत ने भी 4 हफ्ते का समा दिता। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव होरें आख्या है जो दफा 370 खत्म करते बेले करीबन 2000 थमां 2500 लोगों की एहतियातन जम्मू कश्मीर च नजरबंद रखा गया है इसलिए 250 थमां